अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल में ब्रेड उपमा बना रहे हैं। आपने रवे का उपमा तो खाया होगा, हम इंशाल्लाह ब्रेड उपमा बनाएंगे। तो ये रमज़ानों में आप ज़रूर ट्राई करना, इसे बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है ये, इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको। तो हम 5 ब्रेड के हिसाब से बता रहे हैं आपको। ये हमने 5 ब्रेड लिया है, ये हमने 2 लोगों के हिसाब से लिया है। आपके हिसाब से, आपको कम ज़्यादा जितने भी आपके पास मेंबर है उसके हिसाब से आप ब्रेड की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके हिसाब से हमने ये वेजिटेबल उपमा बना रहे हैं हम। तो उसके हिसाब से हमने ये दो टेबल स्पून उतने गाजर लिया हमने, इसको छोटे छोटे पीस में काट दिया है। बस एक मीडियम साइज़ का गाजर लेके हमने इसे बारीक चॉप कर दिया। और 2 टेबल स्पून हमने फ्रेश मटर लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, इसे भी हमने इस तरह से बारीक चॉप कर दिया है। आप सब्ज़ियाँ आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। नींबू का रस हमें टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे और हरा धनिया हम थोड़ा उसमें डालेंगे, आखिर में गार्निशिंग के लिए डालेंगे। और हमने 4 ये फीकी हरी मिर्चियाँ ली थी, हमने 4 से 5 हरी मिर्चियाँ इस तरह से बारीक चॉप कर दिया है। आप आपके टेस्ट के हिसाब से मिर्ची कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और 2 टेबल स्पून हमें मूँगफली के दाने लिए हमने, जो हम बघार में डालेंगे। और एक मीडियम साइज़ की प्याज और थोड़ी सी हरी प्याज की पत्ती लिया हमने। कड़ी पत्ता लिया हमने, 10 से 12 कड़ी पत्ते को इस तरह से बारीक काट दिया है। किशमिश हमने 1 टेबल स्पून ली है, रई 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और लहसुन की कलियां 4 से 5। और आमचूर पाउडर लिया है हमने, इसमें थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आने के लिए आमचूर पाउडर डाल रहे हैं हम। और हींग भी हम बघार में डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, हल्दी और हींग टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। नमक और तेल हम आपको बघारते वक्त बताएंगे। और ब्रेड को हम मिक्सर में इसे थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे ब्रेड को हम। तो उसके बाद हमें इसे भुनने के लिए हमने 1 टेबल स्पून उतना असली घी लिया है। आप चाहे तो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे भुनने के लिए, लेकिन हमने घी का टेस्ट अच्छा आता है तो इसलिए हम ब्रेड को असली घी में डाल के थोड़ा भुनेंगे, फिर ये सब चीज़ें बघार के उसमें डालें। तो चलिए सबसे पहले हम ये सब्जियों को थोड़ा सा शक्कर और नमक के पानी में बॉईल कर देंगे, बिल्कुल 2 मिनट उतना सब्ज़ी हमारे गले उतना बॉईल करके सबको एक जगह बॉईल कर देंगे हम। फिर इसे छान लेंगे छन्नी में और फिर ब्रेड को पीस लेंगे। सब्जियों को हमने बॉईल होने के लिए एक पैन में डाल दिया है। जब तक हम ये ब्रेड को इस तरह से रफली मोटा मोटा डाल के इसे पीस लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक पैन में ये घी डाल देंगे, जो असली घी रखा था हमने ये डाल देंगे इस तरह से इसमें। और ये ब्रेड को हमने इस तरह से इसके ब्रेड क्रम्स बना दिए हैं, इसे बस हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पिसा है, इस तरह से जिस तरह से हम ब्रेड क्रम्स बनाते हैं इस तरह से इसे पीस लिया है। इसको हम इसमें अच्छे से भून लेंगे, बस हमें गोल्डन थोड़ा हल्का से क्रिस्पी होने तक ही इसे भूनना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं हमें इसे, बस इसे जल्दी जल्दी मिक्स करके भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे हमें भूनना है, बस हमने इसे 1 से 1.5 मिनट उतना ही भूना है। बस हमें इसमें जो एक कच्ची खमीर की जो ब्रेड में बू आती है, बस वो बू जाने उतना ही हमें इसे भूनना है। तो ये अच्छे से हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम एक तरफ रख के अब इसे उपमा के जो बघार है वो उसमें एक पैन में हम बघारेंगे। चलिए इसे हम एक बाजू रख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पैन में 2 से 3 टेबल स्पून उतना 3-4 टेबल स्पून का तेल डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये रई, जीरा और ये रई डाल देंगे। फिर उसके बाद इसमें हम ये लहसुन डाल लेंगे, जो लहसुन रखा था उसको हम खींच के डालेंगे। चलिए इसमें हम ये लहसुन डालेंगे, इस तरह से हम इसे खींच के डाल देंगे।
आप अगर लहसुन पसंद नहीं करते खाना तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। इसमें लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है ब्रेड के साथ। इस तरह से हम पूरा लहसुन डाल देंगे। तो चलिए अब इसमें हम ये प्याज भी डाल देंगे। प्याज डाल देंगे, साथ ही साथ में नमक डाल देंगे ताकि प्याज हमारी अच्छे से फ्राई होए। नमक हम 1 टीस्पून के हिसाब से डाल रहे हैं। बाद में हम शक्कर डालेंगे, अगर हमें लगेगा तो हम और बाद में शक्कर डालेंगे। ये अच्छे से फ्राई होने देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। फिर ये कड़ी पत्ता डाल देंगे और ये जो किशमिश रखी थी हमने ये भी डाल देंगे। अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची हमने थोड़ी ज़्यादा इसलिए ली है कि ब्रेड थोड़े हमारे मीठे होते हैं ब्रेड, तो इसलिए थोड़ा चटपटा बनाने के लिए हमने हरी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा ली है। आप आपके बच्चों के टिफिन के लिए अगर बना रहे हैं तो आप नहीं भी डाल सकते हैं हरी मिर्ची। इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। इसके बाद फिर हम ये जो फल्ली की बीन्स रखी है ये भी डाल देंगे। टिफिन में देने के लिए बच्चों के बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। अगर आप सुबह बच्चों को टिफिन में, अगर ये रात में भी बना के रख रहे हैं आप, तो आप बच्चों को सुबह में टिफिन में दे सकते हैं। या फिर ब्रेड को पीस के रख ले आप, सुबह से बगार कर फ्रेश फ्रेश बगार के आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। तो अच्छे से फ्राई होने देंगे इससे। फिर उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा हींग का तड़का डाल लेंगे, थोड़ा सा चुटकी भर हींग का तड़का। फिर ये हल्दी, दो तीन मिनट और फ्राई होने देंगे इसे। ये फल्ली हमारी अच्छे से फ्राई हो गई। अब इसमें हम ये जो सब्जियां थे इसे हमने बॉईल करके से उठा दिए। आप चाहें तो बिना बॉईल करे भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर आपको गलाने के लिए थोड़ा 5 से 4 मिनट ढक कर रखना पड़ेगा। हमने इसलिए थोड़ा सा गला दिया है। तो बस हम इसे 2 से 3 मिनट ढक कर पकने देंगे। ये सब्जी हमारी 2-3 मिनट से पक रही है। चलिए हम ढक्कन हटा के देखेंगे। देखिए अच्छी क्रिस्पी हो गई है हमारी सब्ज़ी, अच्छे से फ्राई हो गए। ये जो फल्ली के दाने हुए हैं सब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे या आमचूर पाउडर डाल देंगे। और ये जो हरी प्याज रखी थी वो भी डाल देंगे। तो चलिए अब इसमें हम ये ब्रेड जो हमने हल्का सा भून के रखा था उसे डाल देंगे। इस तरह से इसे जल्दी जल्दी मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया हमने इसमें। आप चाहे तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं और लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम नींबू डाल देंगे। इस तरह से बिल्कुल 1/4 टीस्पून नींबू का रस डाल रहे हैं और हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। ये अच्छे से हमारे ब्रेड में सब्जियां मिक्स हो चुके हैं। अब इसे हम गैस को बुझा लेंगे और फिर एक सर्विंग बाउल में या प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारा ये ब्रेड उपमा, जिसपे हम ये आलू की सेव डालेंगे। हम ये आलू की भुजाई जो बोलते हैं वो डालेंगे हम। ये आलू की सेव इस तरह से इस पर गार्निशिंग कर लेंगे और थोड़ा सा हम इस पर दही डालेंगे। और हरे धनिया से गार्निशिंग करेंगे।
तो लीजिए बहनों, ये हमारी ब्रेड उपमा तैयार है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।